हमें ऐसा वर दे दो, गुणगान करें तेरा, हर बालक के सिर पर प्रभु हाथ रहे तेरा। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा 6 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस पूरी सृष्टि की रचना उस परमपिता परमात्मा ने की है, जो अद्वितीय है, अनुपम है, अद्भुत है, अलौकिक है। बच्चों, इस धरती पर पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, ये सब उसी परमात्मा की देन है। बच्चों, सूरज, चांद, तारे भी उसी ईश्वर ने बनाए हैं। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम उसी परमपिता परमात्मा की बात करेंगे, उसकी विशालता की बात करेंगे, उसकी महानता की बात करेंगे, उसकी दयालुता और भव्यता की बात करेंगे। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मंजरी का पाठ 1, जिसका शीर्षक है चिर महान, और जिसके रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। बच्चों, आइए देखते हैं इस चित्र को। इस चित्र में यह बच्चे ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चों, इसी प्रकार ईश्वर की प्रार्थना हम सभी करते हैं, आप भी करते हैं ना। जब हम विद्यालय पहुंचते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं? ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। बच्चों, ईश्वर की प्रार्थना हम अपने घरों में भी करते हैं। और आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति आपके आसपास, घर में, पड़ोस में, गांव, गली, मोहल्ले में कोई नया काम प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले ईश्वर की आराधना करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारे आसपास में कोई नया मकान बनता है, तो क्या नया मकान बनते ही वो सब आके रहने लगते हैं? नहीं ना, पहले उसमें हवन होता है, पूजा होती है, जिसे गृह प्रवेश का नाम दिया जाता है। या कोई अपनी दुकान खोलता है, उसमें सामान बिक्री के लिए तुरंत नहीं ला के रखते, उसमें पहले मुहूर्त होता है, फिर उसके बाद दुकान में बिक्री का कार्य प्रारंभ होता है। इसी प्रकार हम भी अपने दिन की शुरुआत भगवान की पूजा से करते हैं, प्रार्थना से करते हैं, और प्रातःकालीन सभा तो नियमित रूप से करते हैं ना बच्चों। इसी प्रकार यह बच्चे भी अपने दिन की शुरुआत ईश्वर की प्रार्थना से कर रहे हैं। बच्चों, ये पंक्तियां हम पहले भी अपने विद्यालय में प्रार्थना में कई बार दोहरा चुके हैं, आइए आज फिर इनको दोहराते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, क्या विनती कर रहे हैं बच्चे प्रभु से? हे ईश, हमें दो यह वरदान, नेक बने और पाए ज्ञान, मात पिता का कहना माने, सबका आदर करना जाने। बच्चे ईश्वर से विनती कर रहे हैं, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे नाथ, हमें ऐसा वर दो, हमें ऐसा वरदान दो जिससे हम नेक, ईमानदार बने और हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, हम अपने माता पिता का कहना माने और हम सबकी इज्जत करें। तो बच्चों, इसी प्रकार इस कवि जो पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक इसी भाव से कवि भी इस कविता में प्रभु से वर पाने की प्रार्थना कर रहे हैं। वह प्रभु से मनुष्य के परित्राण के लिए, मनुष्य की रक्षा करने के लिए, लोक कल्याण के लिए, शक्ति मांगने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आइए पाठ की प्रस्तावना को देखते हैं। बच्चों, पाठ का नाम है चिर महान। यहाँ पहले जरूरी है कि हम चिर महान का अर्थ समझ लें। बच्चों, चिर का अर्थ होता है दीर्घ काल तक अथवा लंबे समय तक, और महान, महान मतलब बड़ा। बच्चों, यहाँ बड़ा का अर्थ किसी वस्तु के विशाल रूप होने से या देखने में बड़ा होने से नहीं है। यहाँ महान का अर्थ है किसी व्यक्ति का उसके गुणों अथवा उसके सद्कर्मों से बड़ा होना को कवि ने महान कहा है। तो चिर महान का अर्थ हुआ जो अपने कर्मों, अपने सद्गुणों से बड़ा है, वही महान है। बच्चों, आज इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे कवि परिचय, कवि के बारे में, उनकी जीवन, उनकी मृत्यु, उनकी साहित्यिक उपलब्धियां और साहित्य जगत में उनके योगदान के बारे में। इसके पश्चात हम करेंगे स्वस्वर वाचन। बच्चों, यह पाठ हमारा कविता के रूप में है, अर्थात पद्य की शक्ल में। बच्चों,
पद्य रचनाएं हमारी गेय रचनाएं होती हैं, मतलब लयात्मक तरीके से पढ़ने वाली, सह स्वर मतलब स्वर सहित वाचन करना। बच्चों, पद्य रचनाओं का गायन किया जाता है। इसके पश्चात हम इसमें करेंगे अपरिचित शब्दों का काठिन्य निवारण, अर्थात शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। बच्चों, पाठ के अंतर्गत हम कविता के भाव को समझेंगे तथा इसके साथ ही भाषा संबंधी अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे, जैसे विलोम शब्द, सद्गुण सूचक व दुर्गुण सूचक शब्द, पर्यायवाची तथा विशेषण आदि। बच्चों, पाठ पर पहुंचने से पहले आवश्यक है कवि के बारे में जान लेना, तो आइए जानते हैं कवि के बारे में। बच्चों, ये हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, इस कविता के रचनाकार। बच्चों, कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौसानी गांव में हुआ था और इनका निधन 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को हुआ था। बच्चों, इनकी रचनाओं में के विविध और सुंदर रूप होने के प्रकृति के सुंदर रूप होने के कारण इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा गया है। बच्चों, साहित्य जगत में इनका उत्कृष्ट योगदान रहा है, जिसके लिए इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया गया। बच्चों, इनकी एक बहुत प्रसिद्ध काव्य कृति है चिदंबरा, जिसके लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। बच्चों, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। बच्चों, आइए आते हैं पाठ पर। यह हमारी कविता है जिसका नाम है चिर महान। और बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया कि पद्य रचना का गेय रचनाएं होती हैं, इनका गायन किया जाता है, तो आइए करते हैं इसके पाठ को। जग जीवन में जो चिर महान, जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनू नाथ जो हो मानव के हित समान। जग जीवन में जो चिर महान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान करके मानव का परित्राण ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनू नाथ जो हो मानव के हित समान। जग जीवन में जो चिर महान। बच्चों, यह कविता ईश्वरीय भक्ति की कविता है, ईश्वरीय शक्ति की कविता है, यह मानव के हित की कविता है, यह लोक कल्याण की कविता है, यह मनुष्य के परित्राण की कविता है। तो बच्चों, आइए जानते हैं कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। बच्चों, इसका प्रथम अंश, जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनू नाथ जो हो मानव के हित समान। बच्चों, पहले
पद्यांश में आए शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। चिर, चिर का अर्थ है बहुत लंबे समय के लिए, और महान, महान का अर्थ है बड़ा। जग जीवन मतलब संसार के लोगों का जीवन, और सौंदर्यपूर्ण, सौंदर्यपूर्ण सौंदर्य से परिपूर्ण अर्थात सुंदरता से भरा हुआ। सत्य प्राण, सत्य प्राण का मतलब है सत्य है जिसके प्राणों में, जिसका हृदय सत्य से भरा हुआ है। बच्चों आइए जानते हैं इसके अर्थ को। बच्चों प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, मैं इस संसार में ऐसे लोगों से प्रेम करूं, उससे प्रेम करूं जो इस संसार में दीर्घ काल तक रहने वाला है और बड़ा बना रहे अथवा महान बना रहे, जिसके हृदय में सत्य का भाव हो और सुंदरता से परिपूर्ण हो तथा मानवता का पक्षधर हो। आइए चलते हैं अगले पढ़ाव की ओर। बच्चों दूसरा पैरा, जिससे जीवन में मिले शक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। बच्चों प्रस्तुत पद्यांश में कवि अंध भक्ति को दूर करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं इस संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाकर अंधभक्ति और मन के अंधेरे को दूर किया जा सकता है। पहले अर्थ जान लेते हैं कठिन शब्दों के। अंधभक्ति, अंधभक्ति का मतलब किसी के प्रति झूठा निष्ठा भाव रखना, अर्थात बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करना अंधभक्ति कहलाता है। संशय, संशय का अर्थ है मन का संदेह या शंका, अर्थात किसी पर शक करना। प्रकाश, प्रकाश से तात्पर्य उजाला। अखिल, अखिल मतलब सारा संपूर्ण। बच्चों इस पद्यांश का अर्थ है, इस पद्यांश में कवि कहते हैं, हे प्रभु, हे नाथ, हे ईश्वर, मैं उससे प्रेम करूं जिससे मुझे जीवन में शक्ति मिले और मेरे मन का डर, संदेह, शक सब दूर हो जाए और मैं किसी के प्रति झूठा निष्ठा भाव ना रखूं, मैं किसी पर आंख मूंद कर बिना सोचे समझे भरोसा ना करूं। हे ईश्वर, मैं ऐसा प्रकाश बन सकूं, मैं इस जगत में इस तरीके से प्रकाशमान हो सकूं जिसमें संपूर्ण व्यक्ति समाहित हो। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का अभियान। बच्चों कवि प्रस्तुत पंक्तियों में नया सवेरा लाने की बात कर रहे हैं, इस संसार जगत को में उजाला फैलाने की बात कर रहे हैं। आइए इसमें आए शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। परित्राण, परित्राण का अर्थ है पूर्ण रक्षा, मनुष्य मात्र की रक्षा करने को कवि ने इसमें महत्व दिया है। नवजीवन, नवजीवन का अर्थ है नया जीवन। विहान, विहान मतलब प्रातः काल, सवेरा, भोर का समय। बच्चों प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, आप मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मैं अमर हो जाऊं और मनुष्य मात्र की रक्षा कर सकूं। मैं अपने कार्यों से इस संसार में पुनः एक बार नया सवेरा ला सकूं। अर्थात कवि कहते हैं, मनुष्य के जीवन में अपने कार्यों से उमंग और उत्साह भर सकूं। बच्चों कवि अपने जीवन में मनुष्य को के रक्षक के रूप में स्वयं को देखना चाहते हैं। आइए बच्चों कुछ भाषा संबंधी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में बच्चों सत्य प्राण शब्द का प्रयोग हुआ है। सत्य प्राण शब्द अच्छे गुण का सूचक है, और एक दूसरे शब्द का प्रयोग हुआ है अंधभक्ति, जो कि बुरे गुण का सूचक है। बच्चों
इस कविता में इसी प्रकार के कुछ अन्य शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, आइए जानते हैं उनको। जैसे सत्य प्राण, अच्छे गुण का सूचक, इन्हें हम सद्गुण सूचक अथवा दुर्गुण सूचक शब्द भी कहते हैं। तो ये हैं हमारे सद्गुण सूचक शब्द और ये हैं हमारे दुर्गुण सूचक शब्द। सद्गुण सूचक शब्द में पहला शब्द है सत्य प्राण, जिसका विपरीत या दुर्गुण वाला शब्द है कपटी। सत्य प्राण मतलब जिसके प्राणों में सत्य भरा हुआ है, कपटी मतलब जिसका हृदय छल और कपट से भरा हुआ है, प्रेमी प्रेम करने वाला, दुश्मन किसी से बैर रखने वाला, भक्ति भक्ति मतलब पवित्र भाव से, भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, ईश्वर के प्रति पवित्र भाव से उसकी उसको पूजा करना या उसमें आस्था रखना। अंधभक्ति, अंधभक्ति का अर्थ है बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा कर लेना, उसे पूजने लगना, अर्थात किसी के प्रति झूठा निष्ठा भाव रखना, अंधभक्ति कहलाता है। सच्चा मतलब सत्य, झूठा असत्य। बच्चों, इस कविता में कवि ने भक्ति और अंधभक्ति दोनों की बात की है, तो हम जानते हैं यहाँ भक्ति और अंधभक्ति के भेद को, भक्ति क्या है और अंधभक्ति क्या है। बच्चों, भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, अर्थात पवित्र भाव से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना भक्ति कहलाता है। और भक्ति में ज्ञान और सत्य की प्रधानता होती है, जबकि अंधभक्ति में इसके विपरीत होता है। अंधभक्ति में ज्ञान और सत्य का कोई स्थान नहीं होता। आइए जानते हैं अंधभक्ति के बारे में। बच्चों, ये है अंधभक्ति। अंधभक्ति का अर्थ है सही और गलत को जाने बगैर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना और उसे पूजना, अंधभक्ति कहलाता है। बिना सोचे समझे किसी के प्रति झूठा निष्ठा भाव रखना। बच्चों, अंधभक्ति में तर्क और सत्य का कोई स्थान नहीं होता। बच्चों, आइए जानते हैं इस कविता में आए कुछ शब्दों के विलोम शब्दों को। जैसे अभी हमने पढ़ा चिर मतलब दीर्घ काल तक, चिर का अर्थ है दीर्घ काल तक या लंबे समय तक, और उसके विपरीत अचिर, अचिर मतलब जल्दी नष्ट हो जाने वाला। बच्चों, विलोम का अर्थ होता है किसी शब्द का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति उल्टा बोल देना विलोम कतई नहीं है। बच्चों, किसी शब्द के उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को ही हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे साधारण शब्दों में कहूँ तो ऊपर का नीचे, अंदर का बाहर, इसी प्रकार ये कविता में आए शब्दों के विलोम शब्द हैं। जैसे अभी आपको बताया था महान, महान का अर्थ अपने कर्मों से बड़ा, अपने सत्कर्मों से जो व्यक्ति बड़ा है वही महान है। इसी प्रकार तुच्छ, जो अपने कर्मों से नीच है वही उसको तुच्छ कहा जाएगा। पूर्ण मतलब पूरा और अपूर्ण मतलब अधूरा। सत्य, सच्चा, असत्य, झूठा। जीवन मतलब जो वस्तु जीवित है, मृत्यु जिसकी मौत हो चुकी है। प्राण मतलब प्राण है जिसके अंदर, निष्प्राण जो प्राण विहीन है। सुंदर, जो चीज देखने में सुंदर है, अच्छी है। कुरूप मतलब सुंदर का उल्टा है कुरूप, जो चीज देखने में बुरी है उसे कुरूप कहा जाता है। इसी प्रकार प्रकाश मतलब उजाला, अंधकार मतलब अंधेरा। बच्चों, आइए जानते हैं पर्यायवाची शब्दों के बारे में। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? बच्चों, यहाँ इन शब्दों के पर्याय जानने से पहले जरूरी है पर्यायवाची की परिभाषा जान लेना। बच्चों, पर्यायवाची, पर्याय का अर्थ होता है समान, समान रूप से, और वाची का अर्थ होता है बोलने वाला, अर्थात जिन शब्दों के ऐसे शब्द जो उसी शब्द के समान रूप, समान अर्थ देते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर शब्द है नाथ, अब नाथ को हम ईश्वर भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं और भगवान भी कहते हैं। लेकिन बच्चों, इनका प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाता है। हर जगह
यह नहीं है कि यदि वह उसका पर्यायवाची है तो उसका प्रयोग किया जाएगा। इनका प्रयोग करने के लिए हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। मानव, मानव के पर्यायवाची हैं मनुष्य, इंसान, मनुज, आदमी, जन, नर। बच्चों, जैसा कि आपको बताया कि अगर इनका प्रयोग करने के लिए हमें वाक्य विन्यास, वाक्य की संरचना और वाक्य के अनुसार हमें उन शब्दों का प्रयोग करना होता है कि जहाँ जो शब्द सही रूप में प्रयोग किया जाएगा उसी का प्रयोग करना होता है। विश्व, विश्व का है संसार, जगत और दुनिया, यह विश्व के पर्यायवाची है। विहान, विहान का मतलब है प्रातः, भोर का समय, सवेरा, इसके यही इसके पर्यायवाची हैं, प्रातः, सवेरा, भोर, उषा। बच्चों, यहाँ यह कुछ कार्य है आपके करने के लिए, इसे आप अभ्यास कार्य के रूप में अपनी कार्य पुस्तिका में करेंगे। जैसे कविता में एक विहान शब्द का प्रयोग हुआ है, विहान, आप वी लगाकर कुछ अन्य शब्द भी बनाएंगे, यह है व्याकरणिक शब्द ज्ञान, कुछ नए शब्द बनाना सीखेंगे इसके माध्यम से। जैसे यहाँ लिखा है वी, अब वी लगाकर आप ये तीन शब्द, वी में हार लगाया, विहार शब्द बन गया। इसी प्रकार वी में आप ज्ञान जोड़ेंगे, विज्ञान बन जाएगा। वी में राम जोड़ेंगे, विराम बन जाएगा। बच्चों, यह कार्य आप अपनी कार्य पुस्तिका में करेंगे। इसी प्रकार आ लगाकर बनाएंगे, जैसे आपकी कवि उसमें प्रयोग हुआ है अखिल, कविता में प्रयोग हुआ है अखिल शब्द, अंधकार शब्द, इसी प्रकार आ लगा के आप कुछ अन्य शब्द भी बनाएंगे। जैसे अभिन्न शब्द बना हमारा, अभिन्न, इसको आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ अधिक शब्द बना हमारा, अधिक, अधिक शब्द आप यहाँ पर लिख देंगे। ये अपूर्व, दोनों को जोड़कर क्या बनेगा, अपूर्व, तो अपूर्व आप यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार ये है बच्चों कविता की पंक्तियां, जिन्हें आप बहुत सरलता पूर्वक पूरा कर लेंगे। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्य, अब सौंदर्य के बाद पंक्ति हमें पूरी करनी है, क्या आएगा, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनू नाथ, आगे जो हो मानव के हित समान। इस प्रकार बच्चों आप इन पंक्तियों को पूरा करके अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। इसके बाद है हमारा विशेषण। बच्चों, चिर महान शब्द विशेषण में विशेषण का प्रयोग हुआ है, आइए पहले जान लेते हैं विशेषण की परिभाषा, विशेषण क्या होता है या विशेषण किसे कहते हैं। बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक देखने में सुंदर है, अब इसमें कौन सा संज्ञा है, कौन सा विशेषण है, यह हम देखेंगे। पुस्तक क्या है, सुंदर है, तो सुंदर शब्द क्या पुस्तक की विशेषता बता रहा है, तो पुस्तक यहाँ पर संज्ञा है और सुंदर होना उसकी विशेषता है। पाठ में किस प्रकार प्रयोग हुआ है, आइए देखते हैं। बच्चों, चिर शब्द का अर्थ होता है सदैव, जैसा कि अभी आपको बताया, दीर्घ काल तक रहने वाला, सदैव। यह शब्द इस कविता में महान के पूर्व प्रयोग हुआ है, महान के पूर्व, और किस रूप में प्रयोग हुआ है, विशेषण के रूप में, विशेषण के रूप में यह इस शब्द में जुड़ा है। ऐसे ही चिर विशेषण लगाकर हम कुछ अन्य शब्द भी बना सकते हैं, जैसे चिर नवीन। अब यहाँ पर चिर शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, नवीन शब्द की, नवीन का अर्थ है नया, चिर नवीन मतलब हमेशा नया रहने वाला या दीर्घ काल तक नया रहने वाला, चिर काल लंबे काल तक, दीर्घ काल तक रहने वाला, यहाँ पर चिर शब्द काल की विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार चिर आयु मतलब दीर्घ आयु, लंबी आयु, यहाँ पर यह चिर शब्द आयु की
विशेषता बता रहा है। तो बच्चों यह था हमारा विशेषण। आप इसी प्रकार कविता में कुछ अन्य शब्दों छांटकर उनके विशेषण बनाएंगे। बच्चों इस कविता में कवि ने सौंदर्य और सुंदरता से परिपूर्ण हृदय वाले व्यक्ति को चिर महान कहा है। कवि ने माना है जिस व्यक्ति का हृदय मानव कल्याण की भावना से ओतप्रोत हो वही व्यक्ति चिर महान है। बच्चों इस जगत में जो व्यक्ति जन कल्याण के कार्य करके महान बनता है उसी को कवि ने चिर महान की संज्ञा दी है। बच्चों आज इस कविता के अंतर्गत हमने सीखा चिर महान की प्राप्ति से मनुष्यों के बीच का भेदभाव समाप्त होगा और उनमें प्रेम की भावना जागृत होगी। बच्चों हमें अपने जीवन में मानव हित की रक्षा करनी चाहिए और किसी पर भी बिना सोचे समझे अथवा आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए एवं सदा प्रकाशमान रहने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। बच्चों इस कविता में कवि ने अपने को मनुष्य के रक्षक के रूप में अर्थात अखिल व्यक्ति के रूप में देखना चाहा है और ऐसे ही प्रभु से कामना की है। बच्चों हमें ऐसा प्रकाश बनने की कामना करनी चाहिए जिससे हमें जिसमें संपूर्ण व्यक्ति समाहित हो अथवा मनुष्य के जीवन में उमंग और उल्लास भर सके जिससे हम इस संसार में एक नया सवेरा ला सकें। बच्चों हमें भी अपने जीवन में ऐसा प्रयास करने का कार्य करना चाहिए और हमें अपने जीवन को दूसरों की रक्षा करके दूसरों की सहायता करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। बच्चों आइए अब कुछ रचनात्मक और गृह कार्य के बारे में देखते हैं। बच्चों आपने यह कविता पढ़ी प्रार्थना की प्रभु की स्तुति की कविता है और प्रातःकाल के समय हम सभी ईश्वर की पूजा करते हैं उसकी आराधना करते हैं उसकी वंदना करते हैं। तो आप प्रातःकाल का एक सुंदर चित्र बनाकर उसमें अपनी मनपसंद के रंग भरेंगे। सभी बच्चे ईश्वर या भक्ति की इसी प्रकार की कोई अन्य कविता घर पर पढ़ेंगे व उसमें आए सद्गुण सूचक और दुर्गुण सूचक शब्दों की सूची भी बनाएंगे। बच्चों प्रातः उठने पर आपको कैसा लगता है अपने अनुभव 5 पंक्तियों में लिखेंगे। इसके अलावा सभी बच्चे ईश्वर के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए एक नई कविता का निर्माण भी करेंगे। बच्चों आशा है आपको यह कविता अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। इस कविता को देखने सुनने व समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभाशीष।